जय हिंद, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। लगातार मेरा प्रयास रहता है कि जनहित में जुड़ी हुई हर खबर जो है वो मैं आप तक पहुंचाऊं। लगातार सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी हुई, चाहे उनके डीए से खबर हो, फिर चाहे उनकी रिटायरमेंट से जुड़ी हुई खबर हो, फिर चाहे उनकी सेवानिवृत्ति जो उनकी एक्सटेंशन रहता है उससे जुड़ी हुई खबर हो, तमाम मुद्दे जो है मैं आप तक पहुंचाता हूं और आपके मुद्दे जो है सरकार तक पहुंचाने का भी प्रयास जो है वो करता हूं और सरकार की हर खबर जो है वो आप तक भी पहुंचाता हूं। ऐसी ही एक खबर जो है अभी आ रही है, ये खबर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन खबर के आखिर तक बने रहिएगा और खबर के अंत में आप सभी लोग अपनी महत्वपूर्ण राय अवश्य रखिएगा। पीएम की आर्थिक सलाहकार समिति ने एक प्रस्ताव जो है वो दिया है, जिसमें देश में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाए जाने की साथ ही यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम जो है वो शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने ऐसा कहा है। क्या पूरी खबर है मैं आपको बताता हूँ। केंद्र सरकार कर्मचारियों को जल्द ही खुशखबरी दे सकती है। कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र और पेंशन की राशि बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की तरफ से ये प्रस्ताव यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम जो है वो भेजा गया है। इसमें देश में लोगों के काम करने की उम्र सीमा बढ़ाए जाने की बात की गई है। साथ ही पीएम की आर्थिक सलाहकार समिति ने कहा है कि देश में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के साथ यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम जो है उसे भी शुरू किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, इस प्रस्ताव में और भी बहुत सारी बातें जो है वह कही गई हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ। सीनियर सिटीजन जो है उसकी सुरक्षा के लिए भी बात जो है वो कही गई है। समिति के रिपोर्ट के अनुसार इस सुझाव के तहत कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 2000 रुपए का पेंशन दिया जाना चाहिए। आपको बता दूं कि आर्थिक सलाहकार समिति ने देश में सीनियर सिटीजन की सुरक्षा के लिए बेहतर व्यवस्था करने के लिए सिफारिश जो है वो की है। इसके अलावा जो स्किल अप डेवलपमेंट है उसके लिए भी बात जो है वो की गई है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अगर कामकाजी उम्र की आबादी को बढ़ाना है तो इसके लिए सेवानिवृत्ति की उम्र को बढ़ाने की संख्या जरूरत है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पर दबाव को कम करने के लिए ऐसा किया जा सकता है। रिपोर्ट में 50 साल से ऊपर के व्यक्तियों के लिए भी स्किल डेवलपमेंट की बात जो है वो कही गई है। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि सरकारें जो है वो नीतियां बनाएं, इसके लिए भी बात कही जा रही है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे कौशल विकास किया जा सके। इस प्रयास में असंगठित क्षेत्र, दूर दराज के इलाके में रहने वाले रिफ्यूजी प्रवासी को भी शामिल किया जाना चाहिए, जिसके पास ट्रेनिंग हासिल करने का साधन नहीं होता है लेकिन उनका ट्रेंड होना जरूरी है। प्रोस्पेक्ट 2019 की रिपोर्ट जो है वो क्या कहती है ये बता देता हूँ। आपको बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019 के अनुसार साल 2050 तक भारत में करीब 32 करोड़ सीनियर सिटीजन हो जाएंगे, यानी देश की आबादी का करीब 19.5% व्यक्ति सेवानिवृत्त की कैटेगरी में जाएंगे। साल 2019 में भारत की आबादी का करीब 10% या 14 करोड़ लोग सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में होंगे। ये एक बाकी आश्चर्य करने वाली बात है और सरकार को इसकी तरफ ध्यान जो है उस पर विचार तो किया जाएगा, और विचार अगर किया जाएगा तो आने वाले दिनों में आप सभी लोगों के लिए एक अच्छी सौगात जो है वो केंद्र सरकार दे सकती है। क्योंकि अगर उम्र रिटायरमेंट की बढ़ाई जाएगी, इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट लाया जाएगा, इसके अलावा सीनियर सिटीजन के लिए कुछ होगा, तो वाकई में एक बड़ा फैसला जो होगा वो सरकार का रहेगा उन लोगों के लिए जो देश भर में सरकारी नौकरी करते हैं। इसके अलावा हमारे जम्मू कश्मीर ड्यूटी की अगर बात करूं, तमाम मुद्दे जो अभी गंभीर रूप से काफ़ी इस समय चर्चित चल रहे हैं, जिसमें डेली वेजेस के मुद्दे हैं, होम गार्ड्स के हैं, एसपीओस के हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, एनएचएम एम्प्लॉयज हैं, डेंटल सर्जन हैं, बीएसएफ सीएसएफ के बच्चे हैं, वो तमाम लोग जो हैं वो भी टकटकी लगाए जो है केंद्र की तरफ देख रहे हैं क्या कुछ केंद्र जो है अपने पिटारे से हम लोगों के लिए निकालेगी। लेकिन इलेक्शंस जैसे ही पास आएंगी उस समय कौन सी पार्टी इन सब लोगों के लिए जो है वो ऐलान करती है, ये भी गौरतलब और देखने वाली बात रहेगी। लेकिन आप अगर सरकार जो मैंने आपको खबर बताई है इस खबर पर विचार करती है और अगर आने वाले दिनों में ऐसा कुछ प्लान बनाती है या ऐसी कोई नीति तैयार करती है लोगों के लिए तो कितना बड़ा कदम मानते हैं आप अपने कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए बाहु एक्सप्रेस पर। अजय डोगरा के साथ शुभम लंगे, बाहु एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।